नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीटेक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ओएस के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वन ओएस रोम के बारे में बात करेंगे जो कि पोको एक्स 3 के लिए अवेलेबल है, जिसका लेटेस्ट अपडेट पोको एक्स 3 के लिए आ चुका है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे करते ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फीचर्स में इस रोम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो पहले देखने को मिलता था वही अभी भी देखने को मिल रहा है और सभी चीज़ सेम है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन भी उसी तरह का आपको देखने को मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे हमें ऐड होता हुआ नहीं मिला है। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यहाँ पे सिर्फ 120 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ का देखने को मिला है, यहाँ पे कोई भी 90 हर्ट्ज़ नहीं है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये इस टाइम पे वर्किंग नहीं है, बगी है, ये वर्क नहीं करता है। और सभी फीचर्स एज यूजुअल मी वाई की तरह ही है, जो आपको Xiaomi EU में देखने को मिलता है वही सारे लगभग फीचर्स उसमें आपको देखने को मिले हैं। एक आध एक्स्ट्रा फीचर होगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। बैटरी बैकअप इस रोम का डिसेंट सा देखने को मिल जाता है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसा आपको मी वाई में देखने को मिलता है, उसी तरह का आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। ना ही बहुत बेकार है ना ही इम्प्रेसिव है, यह आपको मॉडरेट भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लें इसके स्कोर वगैरह की, कि किस तरह का इसका स्कोर देखने को मिला है हमें इस रोम में। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके गीक बेंच स्कोर को। तो आप यहां पे देख सकते हैं सिंगल कोर में 472 और मल्टी कोर में 1513 देखने को मिला है। डेफिनेटली सिंगल कोर में आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला है, कम स्कोर है एज यूजुअल जो हमें देखने को मिलता है अदर रोम्स में, लेकिन डेली ड्राइवर यूजर्स में मुझे ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। मल्टी कोर में ठीक है, लेकिन सिंगल कोर में थोड़ा प्रॉब्लम इसमें देखने को जरूर मिला है। मैंने दो बार रन किया है, दोनों बार लगभग सिमिलर ही है, मतलब कि सिंगल कोर में कम ही आ रहा है हर बार। अब हम देख लें इसके सीपीयू टोटल टेस्ट को, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ काफ़ी इंप्रेसिव इसका देखने को मिला है, काफ़ी स्टेबल ग्राफ है। मिनिमम इसका जो आया है 137, एवरेज 144 और मैक्सिमम 147, जो कि ठीक स्कोर देखने को मिला है, काफ़ी इंप्रेसिव है, इसमें हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। DRM इन्फो की बात करें तो आपको यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इट मीन्स कि आप इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह आराम से स्ट्रीम कर सकते हैं, फुल स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें आपको डायलर और मैसेजिंग ऐप MIUI का देखने को मिल जाता है, कैमरा परफेक्टली वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ में परफेक्टली वर्किंग है। अब हम बात कर लें इस रोम के इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले रिकवरी मोड में बूट करिए। बूट करने के लिए वॉल्यूम अप और पावर की को एक साइड होल्ड किए रहिए जब तक कि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में बूट ना हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको पोको का लोगो दिखे, उसके बाद आपको पावर बटन को छोड़ देना, उसके बाद वॉल्यूम अप बटन को होल्ड किए रहना। वॉल्यूम अप बटन को तब तक होल्ड किए रहना है जब तक कि रिकवरी मोड में बूट ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट का बूट पर जा चुका है। उसके बाद हम अपना पैटर्न डाल के इसे डिक्रिप्ट कर लेंगे। डिक्रिप्ट करने के बाद हम सबसे पहले वाइप सेक्शन में जाएंगे, एडवांस वाइप में डेल्वी कैश डेटा तीनों को स्वाइप टू वाइप कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल में जाएंगे और रॉम फाइल को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम रिबूट सिस्टम कर देंगे, उसके बाद हमारे डिवाइस में परफेक्टली रोम इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ यार हमारे चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके इस रोम के बारे में, साथ ही इस चैनल का भी सपोर्ट हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।